वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो
यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने जो यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहाँ पर 69%, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के अराउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्षपर्श और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स
एक्टर्स देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रूथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवाल
सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के अराउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे।
इजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को इजीली देखने को मिल रही है जी। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Zee5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के अराउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज चीज़
की और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मांजरेकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़ हथियार, कक्ष पर्च और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साई मांजरेकर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है
तकरीबन तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद, अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने जो यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहाँ पर 69%, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा
और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्षपर्श और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में।
तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्सपर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से
से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या,
एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया,
तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने जो यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहाँ पर 69%, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्षपर्श और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा
और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Zee5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में।
तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से
ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजिली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजिली देखने को मिल रही है जी। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या,
एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मांजरेकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रूथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रूथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साई मांजरेकर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है, एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है, एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया,
तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने जो यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहाँ पर 69%, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के अराउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Zee5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा।
ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में।
तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से
ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Zee5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है, एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या,
एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर, हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मांजरेकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवाल के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साई मांजरेकर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया,
तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा
और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में।
तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से
ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, जी फाइव पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या,
एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मांजरेकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहाँ पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रूथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रूथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साई मांजरेकर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है, एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया,
तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने जो यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहाँ पर 69%, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है। एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के अराउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्सपर्च और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी। आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Zee5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा
और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने जो यहां पर गूगल के यूजर्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहां पर 69%, जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्षपर्श और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Z5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहां पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे। वेल तो जी, सलमान खान ने वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड में, बट यहाँ पर उनकी कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। मैंने बहुत सारी उनकी वैसे तो मूवीज़ देख रखी हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 में रिलीज़ हो चुकी उन्हीं की एक मूवी अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में।
तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को दी जाएगी इस मूवी के रिलेटेड, कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर अंतिम द फाइनल ट्रुथ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पर आप लोगों को सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर साइमन जर्कर देखने को मिलेंगे, आयुष शर्मा देखने को मिल जाएंगे, माहिमा मकवाना देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने IMDb रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट रखी गई है, बल्कि काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी IMDb रेटिंग जो है वो रखी गई है तकरीबन 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए, हर एक सीरीज़ के लिए। तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने जो यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की जानिब से जो परसेंटेज दी गई है वो है जी यहाँ पर 69%, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है, जो कि एक बहुत ही एवरेज और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला, तो यहां पर इस मूवी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा किरदार भी है जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है। जी हाँ, यहां पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को हैंडल किया है जी महेश मंजारकर ने, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार यहां पर इस मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस मूवी की सारी डायरेक्शन को उन्होंने ही हैंडल किया है। अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की, तो हाँ, इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं, जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर वास्तव द रियलिटी, उसी के साथ साथ आप लोगों को अंतिम द फाइनल ट्रुथ, उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किया द पावर, यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारी मूवीज़, हथियार, कक्ष पर्च, और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड ये मूवीज़ डेफिनेटली अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से
ये सारी की सारी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं। आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस लैंग्वेज में बनाई गई है, नबी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। तो ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है, जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था। आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था, आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे, ईजीली अवेलेबल कर दी गई थी। अभी जो है ये मूवी आप लोगों को ईजीली देखने को मिल रही है जी, आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं जी, Zee5 पर भी और जियो सिनेमा पर भी, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। आप लोग ईजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। काफ़ी अच्छी मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक चांस दे